Yo, what's up guys? Welcome back to another video of Minecraft. तो गाइस आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। तो गाइस लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि हमने ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल बनाया था पर वो काम नहीं करता। पर अब जो पूल है वो मैंने रिपेयर कर दिया था। अब देखो दिखाता हूँ, अभी ऑटोमेटिक पूरा स्विमिंग पूल बन गया। ये देखो, तो गाइस ये देखो, ये है हमारा ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल जो लास्ट वीडियो में काम नहीं करता। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक बैम्बू फार्म। तो सामान मैंने रेडी रखा है, तो सामान निकाल के जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जगह ये वाली ठीक है। पहले तो एक ब्लॉक 11x11 का बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस 10x10 का ही बना देते हैं क्योंकि 11x11 का ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसके पीछे से कनेक्शन लेके जाना। Oh,
काम कर रहा है। ओ बैम्बू कम पड़ गए इसके अंदर, चेस्ट के अंदर। तो गाइस ये बैम्बू फार्म काम कर रहा है, तो ये जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। एक बैम्बू कम पड़ गया, यहाँ पर लगा दिया एक्स्ट्रा। तो गाइस बैम्बू फार्म रेडी है, अब बस इसको कवर करना है। और अब जैसे ही बैम्बू ग्रोएंगे तो ऑटोमेटिकली वो टूट के हमारे पास आ जाएंगे। तो गाइस बस इसको मैं बस आपको अपना एक जो दोस्त का हाउस है दो मैं वो एक्सप्लोर करा देता हूँ। एक तो ये सामने वाला हाउस है जो मेरा फर्स्ट मल्टीप्लेयर वीडियो में फ्रेंड आया था, उसके लिए मैंने ये वाला हाउस बना दिया। उसने कहा था कि उसको ऐसा हाउस चाहिए। और ये मेरे दूसरे फ्रेंड का हाउस है, उसने अपना हाउस बहुत बड़ा बनवाया है। तो मैं एक बार उड़ के उसका हाउस एक्सप्लोर करवा देता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो उसका हाउस, इंटेंटिंग टेबल है अंदर, क्या था अंदर स्टोरेज रूम बनाया है और एक उसका नीचे बेडरूम है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।